कॉकरोच के अंदर अभी ब्रेकआउट आ रहा है, कॉकरोच के अंदर पिछले 5 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं, 48.70 का अभी भाव चल रहा है, मेरे को लग रहा है स्टॉक के अंदर यहाँ पे खरीदारी करें, लास्ट 4 से 5 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं स्टॉक के अंदर। नीचे में जो चार्ट्स के ऊपर मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 47.75, और जिस तरह से आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, कॉकरोच में यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, मेरे को लग रहा है स्टॉक यहाँ से ऊपर में 49.50 और 5050 ये लेवल्स यहाँ से जल्दी दिखा सकता है, हो सकता है आज इंट्राडे में भी ऐसा मूव देखने को मिले, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा कॉकरोच में। 47.75 नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 49.50 और 50.50 ये दो टारगेट्स 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा कॉकरोच के अंदर। बैंकिंग स्पेस से वो है कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने एक नेकलाइन को तोड़ा है, अब नेकलाइन टूटने के बाद ये स्टॉक दो चीजों का एक प्रबल दावेदार बनता है, एक तो शॉर्ट कवरिंग का और एक फ्रेश लॉन्ग्स का, तो दोनों चीजें कोटक महिंद्रा बैंक को मौजूदा स्तरों से ऊपर ले जाने का दमखम रखती हैं। बहुत क्लियर एक डाइवर्जेंस बनी है चार्ट पर, और सबसे दमदार अगर आपको एक बैंकिंग स्टॉक लेना है तो कोटक महिंद्रा बैंक होना चाहिए, सबसे जबरदस्त ब्रेकआउट यहीं पर आता हुआ दिख रहा है, बाय करके चले 1790 रुपए पर, 1790 पर स्टॉप लॉस रख लें, ये स्टॉक इवेंचुअली 2000 तक जाएगा, लेकिन हमारे जो टारगेट्स हैं, पहला टारगेट 1885 रुपए का 1885 का, दूसरा 1925 रुपए का 1925 का, तो 1925 के लक्ष्य के लिए बाय करें कोटक महिंद्रा बैंक।